आज से दोबारा हम वैसे ही जुड़ने लगे हैं, कनेक्टेड होने लगे हैं एक दूसरे के साथ, जिस तरह से पहले हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए थे। तो कंट्री साइड एरिया है और सर्दी जो है वो आने वाली है, स्मोक सीजन भी है। और आप ये देखें कि बट्टा भुट्टा, जिस तरह से हमने आपको पहले भी ये दिखाया था, इसके ऊपर बाल होते हैं छोटे छोटे, और इसको अगर आप थोड़ा सा अंदर से यूं करके करेंगे, इसके जो लिहाफ है वो उतारेंगे, तो ये दूधिया शक्ल के जो है ये होगा। ये वो छली और फ़िआम में जिसको कहा जाता है, ये बट्टा नहीं है, जो खाने के काबिल होती है, जो मुख्तलिफ तरीक़ों से उबाल के और अंगारों वगैरह पे हम बनाते हैं। ये सिर्फ फॉडर यानी चारा के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये आप देखें कि अभी ये यहाँ पर जो है पानी हमने लगाया है, और यहाँ हम जो है वो लगाएंगे दूसरा गंदम जो है उसको हम कल्टीवेट करेंगे, और ये देखें कि ये हम यहाँ पर जो है वो वीट क्रॉप के लिए सबसे पहले पानी लगाया जाता है, ये चारा ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर ये जो है ना वीट क्रॉप प्लो किया जाएगा, उसके बाद बीज की तैयारी होगी, बीज को मिक्स किया जाएगा, फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाएगा, जैसे कि यूरिया है, DAP खाद है, तो इस किस्म के फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो इसमें यूटिलाइज होंगे, तब गंदम की फसल जो है वो पककर तैयार हो जाएगी। थोड़ा सा सामने का व्यू आप देखें, वहाँ पर भी फॉडर चारा बीजा हुआ है और उसकी बिजाई है, तो मैं थोड़ा सा बाद में उधर जाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा मैं एक्सटर्नल व्यू भी आपको दे लूँ कि यहाँ पर आप मेरे सामीन और नाज़रीन रिव्यूज़ और देखने सुनने और जानने वाले, ये खजूर का दरख्त जो है ये वही अलामत है जो पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें रिज़्क़ की बढ़ोतरी के लिए और खुशहाली के लिए, तवंगरी के लिए ये एक सिंबल है, इसके अंदर एक सिंबॉलिक टच पाया जाता है, इसके अंदर एक मेटाफारिकल रिप्रेजेंटेशन पाई जाती है। और अगर हम थोड़ा सा और करीब जाते हैं तो यहाँ पर अगर आप मुझे दिखा पाएँ, तो यहाँ पर इस ऊपर अगर मैं खड़ा होता हूँ और अगर आप मेरी बैक पे चले जाएंगे, तो सन को अगर हम देखें तो क्लाउडी है और सूरज जो है वो ग़ुरूब होने वाला है, लेकिन हल्का हल्का सा डिम और फेड है क्लाउड्स की वजह से, क्योंकि क्लाउडी है आज। तो ये अगर आप दिखा पाएँ तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, फॉलोइंग द सन दैट इज़ गोइंग टू सेट आफ्टर क्वाइट सम मिनट्स। अच्छा जी, ये हम बात कर लेते हैं। तो मेरा तो ख्याल था ये हमारा जो सिटिंग रूम है, इसके फ्रंट पे एक तो ये सीमेंटेड सा बना हुआ है, अब इसकी कुछ सफाई होने वाली है, तो सफाई वगैरह भी हम करेंगे। और अम्मी जान ने ख़ास तौर पर, मेरा तो आइडिया ये था कि यहाँ पर ये जो इसके साथ साथ ये जो मुकम्मल रोज़ हैं बनी हुई, यहाँ पर हम बॉटल पाम के दरख्त लगाते हैं और उसके अंदर गुले दोपहरी या कुछ इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो हम ऐड करते चले जाएंगे। लेकिन उनका ख्याल था ये जो फाइकस प्लांट्स हैं इनको हम जो है वो ऐड कर लें दोबारा, तो इसके अंदर फिर मैंने ये इजाफा किया है कि आप ये देखें, आम का दरख्त ये यहाँ कल मिला था, तो मैंने वो वर्कर को कहा था कि यहाँ पर उसको एडजस्ट कर दो, उसके बाद मैं कुछ कलमे वगैरह लाया था जिसमें गुलाबी फूल हैं, वाइट कलर फ्लावर्स हैं, इसके अलावा ये रेड फ्लावर्स हैं, तो ये एक पौधा बीच में सूख गया था और ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा बन गया है, जिस तरह से डेजोलेट और एक डिजेक्टेड सा इन्वायरमेंट हो ना कोई किसी जगह पर, सहरा में आप कह लें या मतलब कहीं पर भी, तो सिर्फ एक दरख्त होता है, ये पीपल का दरख्त है और ये एक ही रह गया था, फिर सीमेंट कर दिया गया था इसको, जब ये हमारी जो घर है वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो फिर अब हम इसको उखाड़ नहीं रहे हैं, लेकिन इसको पानी देने का मसला है, बहरहाल इसको देखते हैं हम, ठीक है। तो ये फिर हमने इसको पानी लगाया, मेरे वर्कर ने, मेरे मुआविन ने, मेरे असिस्टेंट ने, और ये आप देखिएगा, ये कुछ बीच में और भी पौधे मैंने ऐड किए हैं इसलिए,
क्योंकि जो दूसरा है ना बॉटल पाम, जिसके मेरे ख्याल में 3 या 4 अकसाम पाई जाती हैं, इतनी टाइप्स हैं उसकी। तो ये गुलाबी फूल है, तो ये इंग्लिश 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 रोज़ है बेसिकली गुलाबी फूल में, क्योंकि गुलाबी फूल जो देसी है जिसको हम आम कहते हैं, वो तो गुलकंद वगैरह में बहुत ज़्यादा काम आता है और सर दर्द के लिए भी मुफीद है, और भी उसके कई सारे जो हिकमत के हवाले से और यूनानी फ़वाद हैं वो भी उसमें मौजूद होते हैं। और अगर हम उसको दूध के हमरा लेते हैं तो ये जो दर्द होता है या शटीका या दर्द शटीका है उसमें काफ़ी वो असिस्ट करता है, हेल्प आउट करता है। सारे देखें इसी रो में ये उगे हुए हैं, ये वाइट इंग्लिश रोज़ है जी, ये मैंने आज एडजस्ट किया है, अभी इसको दोबारा से मैंने फ्लो करवाया है, उसकी कैरी को सही करवाया है, और ये सारा कुछ जो है मैंने आज एक्सट्रैक्ट किया है। और मेरी कोशिश होती है अंदर के काम, वो मैंने कुछ किया था गमलों वगैरह का, लेकिन कुछ दिनों से कुछ तबीयत नासाज़ी थी, जब तब से मैं आपके साथ दोबारा से कनेक्ट नहीं हो पाया, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट दैट वॉज अ स्पेशल रीज़न फॉर दैट, आई हैव ऑलरेडी शेयर विद यू। तो ये तब अप टिल नाउ ये हमारे डेवलपमेंट है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी नई इनोवेटिव साइंटिफिक और इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के साथ जो है हम आपके सामने आएँ, और आपको कुछ लर्निंग्स भी दें और एंटरटेनमेंट भी हो, और हम शेयरिंग भी करें और एक दूसरे से लर्न करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और ख़ास तौर पर अपने प्यारों, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट।